अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम इकरा कायदा तख्ती नंबर 14 पढ़ना शुरू करेंगे, जो वाओ मद्दा के बारे में है। वाओ साकिन हो और उससे पहले किसी हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाओ मद्दा बन जाता है। वाओ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावाव पेश बू, तावाव पेश तू, सावाव पेश सू, जीमवाव पेश जू, हावाओ पेश खू, खौवाओ पेश खू, दालवाओ पेश दू, जालवाओ पेश जू, रोवाओ पेश रू, जावाओ पेश जू, सीनवाओ पेश सू, शीनवाओ पेश शू, सौत वाओ पेश सू, लौत वाओ पेश वू, तो वाओ पेश तू, जो वाओ पेश जू, ऐन वाओ पेश ऊ, गैन वाओ पेश ऊ, फा वाओ पेश फू, कौफ वाओ पेश कू, काफ वाओ पेश कू, लाम वाओ पेश लू, मीम वाओ पेश मू, नून वाओ पेश नू, वाओ वाओ पेश वू, हा वाओ पेश हू, हमजा वाओ पेश ऊ, हमजा वाओ पेश ऊ, या वाओ पेश यू,
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तख्ती नंबर 14 की मश पढ़ना शुरू करेंगे।